इस शो के सभी गेस्ट घटना या खबर काल्पनिक नहीं है। किसी भी तरह का हो हल्ला, गाली गलौज या बेमतलब की बहस यहाँ प्रतिबंधित है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी रिसर्च और तर्क के साथ इसलिए चर्चा करते हैं ताकि झूठ से पर्दा उठ सके और सच आपके सामने आए। धन्यवाद। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, मैं जिनके लिए लड़ा ये मेरे अपने नहीं थे और मैं जिनसे लड़ा वो मेरे दुश्मन नहीं थे। नमस्कार, मैं हूँ विजय त्रिवेदी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो सत्य की विजय की खास सीरीज जीते का गुजरात में। जय स्वामीनारायण। हम इस वक्त हैं राजकोट में स्वामीनारायण मंदिर के पास। स्वामीनारायण मंदिर के प्रमुख स्वामी का जन्म शताब्दी समारोह 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 1.5 महीने तक चलेगा। देश और दुनिया में उनके करोड़ों श्रद्धालु, समर्थक, भक्त हैं जो इसका कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज गुजरात के पहले चरण का चुनाव का प्रचार का काम शाम को 5 बजे खत्म हो गया। पिछले 15 दिन से लगातार गुजरात में हंगामा हो रहा था 89 सीटों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, तमाम लोगों ने अपनी अपनी तकरीरें की। माहौल भी गर्म रहा, वैसे भी गुजरात में मौसम ठंडा नहीं है, राजनीति ने उसको और गर्मा दिया। पहले चरण के चुनाव पर अब आज के कार्यक्रम में हम खास तौर से चर्चा करेंगे। गुजरात के पहले चरण के चुनाव में 89 सीटों का मतदान होना है। 89 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें 54 सीटें सौराष्ट्र और कच्छ की है और 35 सीटें दक्षिण गुजरात की है। दक्षिण गुजरात ने तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी मदद कर दी थी, लेकिन सौराष्ट्र से उनको बड़ा झटका लगा था। इस पहले चरण में क्या भारतीय जनता पार्टी को सौराष्ट्र से मदद मिल पाएगी? इस पहले चरण में जब 1 तारीख को वोटिंग हुई तो उसमें गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, रिबाबा जडेजा जैसे लोगों का भी नाम आ रहा है, आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी का वोट भी इसी दिन डलना है। देखते हैं। के राज को बचाए रखने की है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए पीएम मोदी खुद तूफानी प्रचार अभियान में हैं। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही।
उधर कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी गुजरात से दूर भारत जोड़ो यात्रा में हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले चरण के अब तक के प्रचार अभियान पर गौर किया जाए तो आम आदमी पार्टी भी अपनी मौजूदगी दिखाने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी गुजरात में जीत का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, मैंने इतना लिख के दिया। 92 से ऊपर आ रही हैं। अभी स्पेसिफिक सीट्स का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर लिख के देता। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। तीनों जीत रहे हैं। दरअसल पहले चरण में गुजरात की 89 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। इसके लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। गुजरात को क्षेत्र रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला सौराष्ट्र कच्छ, दूसरा दक्षिण गुजरात, तीसरा मध्य गुजरात और चौथा उत्तर गुजरात। चुनाव भी इसी हिसाब से होते हैं। इस बार गुजरात में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। अगर बात करें सौराष्ट्र की तो इसमें 11 जिले हैं, जिनमें कुल सीटों की बात की जाए तो 48 है। वहीं कच्छ की बात की जाए तो इस जिले में 6 सीटें हैं, सुरेंद्रनगर में 5, जामनगर में 5, अमरेली में 5, जूनागढ़ में 5, गिर सोमनाथ में 4, मोरबी में 3, द्वारका में 2, पोरबंदर में 2 और बोटद में 2 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण गुजरात की बात करें तो यहां का सबसे बड़ा जिला सूरत है, जिसमें 16 सीटें हैं। भरूच में 5, वलसाड में 5, नवसारी में 4, नर्मदा में 2, तापी में 2 और डांग की 1 विधानसभा सीट पर 1 दिसंबर को वोटिंग होगी।
93 सीटों पर मतदान होगा और नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। यानी 8 दिसंबर को पता चलेगा कि किसके दावे में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। गुजरात के चुनावों पर चर्चा करने के लिए, खासतौर से फर्स्ट फेज पर चुनावों की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े खास मेहमान सांस समाचार के एमडी करण शाह। सांस समाचार गुजरात के प्रमुख इवनिंगर्स में से है, उनके एमडी हैं करण शाह, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेहुल झाला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण शाह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। जो फर्स्ट फेज की वोटिंग का प्रचार का काम जो है आज खत्म हो गया, 1 तारीख को वोट डाले जाएगा, इस फर्स्ट फेज के इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, जैसे हम लोग अभी भी देख रहे थे कि ये फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन है, जहाँ पे 19 जिले में 89 बैठकों पे का 1 तारीख को मतदान होने जा रहा है। ये सौराष्ट्र कच्छ की 54 बैठक है और साथ में ही सूरत की 35 बैठक है, दक्षिण गुजरात की है। सौराष्ट्र में 2017 में पाटीदार अनामत आंदोलन था, तब यहाँ पे बहुत ही बड़ा फायदा कांग्रेस को हुआ था, जिसमें 30 बैठक कांग्रेस को आई थी और 23 बैठकें भाजपा को आई थी। लेकिन इस बार भाजपा बहुत ही ऐसा मेहनत कर रही है जिससे वो लोग ज्यादा से ज्यादा जिले में उनका प्रभुत्व जमा सके, वहां पे बैठक ले सके। लेकिन इस बार का ये जो चुनाव है बहुत अलग प्रकार सा है और ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। जब चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, उसके पहले भी छोटे से छोटे गांव में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, गोपाल इटालिया, इशुदान गढ़वी घूमे थे, बहुत ही हैवी कैंपेनिंग की थी और उन सौराष्ट्र के छोटे छोटे गांव में जाके उन्होंने वहां पे कैंपेनिंग की थी। यहाँ इनके जो मत है, इनके जो भाजपा से जो लोग नाराज है, जो शासन पक्ष से नाराज है, उनके मत क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कैसे डिवाइड हो रही है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि पिछले 20 सालों से कोई ना कोई मुद्दा राजकीय मुद्दा रहा है गुजरात में, जैसे 2002 में गोधरा का था, 2007 में उत्कर्ष समिति थी जो केशुभाई पटेल की थी, और 2012 में जीपीपी की थी जो गुजरात परिवर्तन पार्टी थी, जो खुल के केशुभाई पटेल और कई सारे पाटीदार नेता थे जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आए थे। 2017 में पाटीदार और ओबीसी का जो आंदोलन था वो था। लेकिन इस बार जो कोई मुद्दा राजकीय मुद्दा नहीं है, बहुत ही, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि साइलेंट अंडर करंट है, यहाँ दिशा में ये जा रहा है, कौन सी दिशा में ये महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करेगा ये वोटर्स का, वो आगे वोटिंग के दिन भी जानना रहेगा। और एक चीज, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को सबसे ज्यादा शादियां भी है, सबसे ज्यादा लोग में रोष भी है, आक्रोश भी है, तो वो जो साइलेंट अंडर करंट है वो किस दिशा जाएगा, वो वोटर टर्नआउट ज्यादा से ज्यादा होगा कि नहीं, वो भी एक चीज सब पॉलिटिकल पार्टीज देख रही है। तंत्र भी वही, चुनाव कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, वो भी एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान की ओर खींचा जाए। जी करण शाह साहब, आपने 2012 का जिक्र किया जब केशुभाई पटेल का, 2017 में जो है पाटीदार आंदोलन का, और आज 2022 में आम आदमी पार्टी। लेकिन पिछले दोनों चुनावों में उन दोनों जो ग्रुप थे उनका कोई असर चुनाव नतीजों पर नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो क्या 2022 का नतीजा भी वैसा ही होगा कि फाइनली बीजेपी की सरकार बन जाए, या आम आदमी पार्टी पूरे इलेक्शन का समीकरण बिगाड़ सकती है? बहुत ही आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, मैं आपको ये जवाब दूं। उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 2017 से जब आम आदमी पार्टी भी वहां पे चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनका वोट शेयर 0.something% था, 1% भी उनका वोट शेयर नहीं था, और उन्होंने सिर्फ 30 बैठकों पे चुनाव लड़े थे, उनको 30 में से 27 बैठकों पे उनके डिपॉजिट चली गई थी। लेकिन बाद में वो धीरे 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 उनका वो गढ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे कई जगहों पे, जैसे कि दक्षिण गुजरात हो, सौराष्ट्र हो। 2021-22 में जब लोकल हमारे चुनाव आए थे, महानगर पालिका के हो, पंचायत के हो, तालुका पंचायत के हो, तो उनमें से उन्होंने कांग्रेस के कई सारे मत तोड़े थे, जैसे कि 8 महानगर पालिका है, तो 8 महानगर पालिका में भाजपा का शासन आया, और वो भी कैसे, तो 90% सीट उनको मिले थे, पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत में भी यही नतीजे आए थे। सूरत में उन्हें पाटीदारों के कारण बहुत ही अच्छा परिणाम उनको मिला था, जहां पे उनको 27 बैठक उनके और आई थी।
मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार भी जैसे वो 181 बैठकों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, 182 था एक सूरत पूर्व में उनका जो प्रत्याशी था उन्होंने फॉर्म पीछे खींच लिया था, और अंजार में अभी एक प्रत्याशी ने भाजपा को उन्होंने सब वो टेका जाहिर किया है, तो 180 बैठकों पे वो जब लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है, तो उनके जो वोट है, जो भाजपा से जो नाराज वोटर है, वो कौन सी दिशा में जा रहा है? क्या वो कांग्रेस और आम आदमी के बीच में विभाजित हो जाते हैं? क्या वो डिवाइड हो जाते हैं? अगर ये हुआ तो भाजपा के लिए बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एनालिसिस पिछले चुनाव में थे उस हिसाब से अगर इस बार भी हुआ तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी विक्ट्री हो सकती है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों पे और जहां जहां केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व रहा हुआ है उस क्षेत्रों पे अगर वो कंप्लीटली आम आदमी पार्टी की ओर जा रही है और भाजपा की सीट कम हो रही है तो फिर वो नुकसान भाजपा को हो रहा है। फिर भी जो डेटा नजर आ रहा है, जो एनालिसिस हो रही है, जितने अर्बन सेक्टर है, सेमी अर्बन पे जितना वो भाजपा के प्रभुत्व रहा है, मुझे ऐसा अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार भाजपा की बन सकती है, लेकिन जितना वो लोग दावा कर रहे हैं, जितना यहाँ का बाजार में सट्टा बाजार चर्चा करेंगे कि सरकार किसकी बनती है। करण जी इस पर चर्चा करेंगे आगे की, किससे सरकार बन सकती है। मेहुल मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सहयोगी मेहुल, करण साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को मैदान में ही नहीं मानती। कुछ लोगों ने कहा कि इस बार चुनाव तो त्रिकोणीय हो रहा है, लेकिन साहब आप गलत तरीके से देख रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये त्रिकोणीय चुनाव तो बीजेपी एंड वर्सेस बीजेपी है और कांग्रेस है, आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो दक्षिण गुजरात वाली राह है और खास करके सूरत वाली राह है वो इतनी आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि गोपाल इटालिया, अल्पेश कथीरिया, मनोज सोरठिया ये चुनावी मैदान में है। मैं आपको एक बताऊं कि कुमार कानानी रूपानी सरकार में राजस्व हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, बाद में जब सरकार बदली पिछले सवा साल पहले, उसके बाद ये तय था कि कुमार कानानी को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि सीआर पाटिल का हाथ, जो नए कैंडिडेट हैं 2022 के विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए जो प्रत्याशी चुने गए उसमें सीआर पाटिल का हाथ सूरत के मामले में ऊपर रहा, केवल 84 विधानसभा क्षेत्र की जंखना पटेल की को हटाकर वहां एक नए प्रत्याशी को रखा, बाकी कुमार कानानी को वराचा से टिकट दिया गया, ये सबसे बड़ा आश्चर्य था। बाद में जब बड़ौदा देखा जाए तो बड़ौदा में वाघोड़िया विधानसभा क्षेत्र से मधु श्रीवास्तव बाहुबली है, उसके साथ दीनू मामा जो पादरा विधानसभा से, दीनू भाई पटेल ये भी बागी हैं, ऐसे कुल मिलाकर 12 बागी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में है। अब जो मामला सौराष्ट्र वाला है, अरविंद लाडानी केशोद में है, वो भी बागी है। भारतीय जनता पार्टी ने 12 बागियों को सस्पेंड कर दिया है। अब देखना ये होगा कि ये 12 बागी भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन सकते हैं या नहीं, क्योंकि सीआर पाटिल से जब हमारी पिछले हफ्ते बात हुई थी 10 दिन पहले मीडिया सेंटर में, तब उन्होंने कहा था कि जो भी बागी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको सस्पेंड किया जाएगा अगर नामांकन वापस नियत तारीख में तिथि में नहीं लिया गया। तो सस्पेंड तो कर दिया, डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई, मधु श्रीवास्तव को एयरपोर्ट पर मिलने हर्ष संघवी भी गए गृह राज्य मंत्री, मधु श्रीवास्तव ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, मिले भी नहीं। बाद में सीआर पाटिल से एयरपोर्ट पर, वडोदरा एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई, मधु श्रीवास्तव नहीं माने, उसके बाद ये सस्पेंशन हुआ। दूसरा ये जो कि सूरत में जिस प्रकार से महापालिका के चुनाव में 27 बैठक जो है वो आम आदमी पार्टी ने हासिल की, उसके बाद केजरीवाल ने पूरा फोकस और पूरी जो ताकत है वो सूरत से शुरू किया। भले उस वक्त तय नहीं था कि गोपाल इटालिया कहाँ से लड़ेंगे, इसुदान कहाँ से लड़ेंगे, अल्पेश कथीरिया एन मौके पर ज्वाइन किए आम आदमी पार्टी, महज 15-20 दिन पहले चुनाव की घोषणा की से पहले, तो कुल मिलाकर चर्चा करेंगे कि बागियों से क्या नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी से। पहले देखते हैं कि सौराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है राजकोट, जहाँ पर हम मौजूद हैं, और एक ऐतिहासिक शहर है जूनागढ़, इन दोनों में क्या हो रहा है, चुनाव की क्या स्थिति है, इस पर रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आगे चर्चा को जारी रखते हैं।
किया है। पूरी जी जान से इस चुनाव के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को मिले और जंगी बहुमति से भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, ऐसे हमारे सर्व प्रयास हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह चलने वाली पार्टी है। जो भी नेता यहाँ से सीट छोड़ के गए वो फिर एक परिवार के सदस्य की तरह ही हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो साहब ने जो भी विकास के काम किए हैं राजकोट के लिए, जो इतने सारे काम किए हैं, तो उससे अब निश्चित ही हमें ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को इस बार के चुनाव में और ज़्यादा बहुमति से हम जीत पाएंगे। आदरणीय वड़ा प्रधान मोदी साहब पे बहुत भरोसा है और वैसे ही लोग सब मोदी साहब को ही मानते हैं और मोदी साहब ही हमारी प्रेरणा है, हमारे विश्व गुरु हैं। तो सब लोग इसीलिए साहब ज़्यादा से ज़्यादा रैलियाँ कर रहे हैं कि लोग मोदी साहब को देखना चाहते हैं, मोदी साहब से एक प्रोत्साहन और एक प्रेरणा लेना चाहते हैं। और वो ये जो राज भारत की जो छवि हमारे सामने है वो नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो काम किए उसके हिसाब से ही है। तो चुनाव तो मोदी साहब के हिसाब से ही उन्होंने किए हुए काम पे और भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास और भरोसा है उसके मुताबिक चुनाव हमारा लड़ा जाता है। वही कांग्रेस की ओर से गुजरात से कांग्रेस के दिग्गज नेता मनसुख भाई कलारिया इस बार मैदान में हैं। मनसुख कलारिया ने इस बार कांग्रेस की जीत का दावा किया है। मैं तो यहाँ ये राजकोट वेस्ट के सम्मिलित ये वार्ड नंबर 10 का कॉरपोरेटर था, अभी तक डिप्यूटी लीडर था। मैं यहाँ लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सेरी गली का आदमी हूँ, मैं हाई प्रोफाइल कैंडिडेट नहीं हूँ, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, पहले लोगों मेरे पर बहुत बहुत अच्छी तरह से लागनी है, प्रेम है और मैं लोगों का काम करता हूँ, लोगों मेरे को ही वोट देंगे और मैं जीतूँगा। एक कोई एकाध कास्ट की कोई बात नहीं है, मैं तो सब लोगों का प्रतिनिधि हूँ, लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं ग्रास रूट का कैंडिडेट हूँ, इसलिए सब कास्ट के लोग मेरे को स्वीकारते हैं, मेरे को ये सब सपोर्ट करते हैं। राजकोट में हमारा राहुल जी भी आ गई है रैली करके, ये हमारा जो नेशनल स्टार प्रचारक है वो भी आते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती हो तो आते हैं, यहाँ रैलियाँ करते हैं, मीटिंग करते हैं, इसलिए ऐसी कुछ कमी नहीं दिखाई देती मेरे को। ये तो बहुत 125 सीट लेके हम सरकार बनाते हैं। राजकोट शहर की एक और सीट राजकोट दक्षिण की बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने रमेश भाई तिलाला को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी उम्मीदवार बने रमेश भाई तिलाला ने 175 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है, वो पहले चरण के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। हमने राजकोट 70 विधानसभा से जो हमने उम्मीदवारी की है और हमने पूरा लोक संपर्क किया, पद यात्रा किया तो लोगों का बहुत प्रसिद्धाद मिला। अभी गुजरात का बजट 2.5 लाख करोड़ का है और वो जो बता रहे वो देने वाले 8 लाख करोड़ का है, तो वो तो कैसे वो आगे चलेगा, वो तो कोई मानने की बात भी नहीं लगती है। और अभी पब्लिक को सबको डर लगा रहे वो कहाँ से पैसा दिया, तो अभी कोई हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात के पहले चरण के चुनाव की और ओवरऑल गुजरात पर भी हम चर्चा करेंगे। लगातार पिछले 10 दिन से हम गुजरात के हर दिन अलग शहर तक पहुंच रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान करण शाह साहब, जो सांस समाचार राजकोट का एवेंजर है, जिसके MD हैं, और मेरे सहयोगी मेहुल झाला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण शाह साहब, राजकोट की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रमुख सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए, जैसे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब को ही लें, राजकोट पश्चिम की जो सीट थी, जो एक ज़माने में वजूभाई वाला की सीट थी और उससे पहले एक ज़माने में नरेंद्र मोदी साहब भी वहाँ से चुनाव लड़े थे, नरेंद्र मोदी साहब ने चुनाव जीता था और जो मुख्यमंत्री वहाँ पर बने थे। तो राजकोट पश्चिम की वो सीट महत्वपूर्ण है, उससे विजय रूपाणी को तो सरकार से तो हटाया ही गया, अब वो सीट भी दे दी गई डॉक्टर दर्शिता शाह को। तो ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पर मंत्रियों को हटाया गया है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इस बार भाजपा ने क्या किया हुआ है कि जितने भी शहर की बैठकें थी उसमें उन्होंने बदलाव लाया हुआ है, वहां पे उन्होंने एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया गया हुआ है। तो सूरत को छोड़ के अहमदाबाद, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, राजकोट और वडोदरा के
जो अर्बन जो शहर की जो सीट्स है उनमें उनमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गया। राजकोट की बात करें, जैसे आपने ठीक बताया कि राजकोट पश्चिम की जो बैठक है उन्होंने 3 मुख्यमंत्री, 1 राज्यपाल और 1 प्रधानमंत्री दिए हुए हैं। नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे आके उनके पहली राजकीय सफर राजकोट पश्चिम से शुरू की थी 2001 में, जहां पे वजूभाई वाला जो तब उनके सिटिंग एमएलए थे तो उन्होंने ये सीट खाली करके उनको 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 बुलाया था और यहाँ से उन्होंने सफर शुरू की। बाद में वजूभाई वाला आए फिर से 2014 में, जब वजूभाई वाला को कर्नाटक में राज्यपाल के तौर से उनको जवाबदारी सौंपी गई थी, तब यहाँ पे विजयभाई रूपाणी को विधायक तरीके विधायक बन के आए थे। बाद में 2017 में जब वो मुख्यमंत्री थे तब 50,000 से ज्यादा मतों से ये यहाँ पे जीते हुए थे। तो राजकोट पश्चिम है वो एक प्रकार से यहाँ सौराष्ट्र का और राजकोट का गढ़ है। ऐसा माना जा रहा है कि इतने सालों से राजकोट पश्चिम में कहीं कभी भी भाजपा का प्रत्याशी यहाँ पे हारा नहीं है। इस बार बात करें चारों चार बैठक, राजकोट पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और ग्राम्य, चारों बैठक में चारों जो प्रत्याशी है वो नए है। राजकोट पूर्व में पाटीदार समाज का बहुत सारा प्रभुत्व है, तो उसमें आप उदय कानगर जो यहाँ पे सबसे राजकोट के सबसे युवा मेयर रह चुके हैं उनको अब प्रत्याशी बनाया गया हुआ है। वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो माना जाता है इंद्रनील राज्यगुरु। विवेक जी, इंद्रनील राज्यगुरु की मैं अगर आपको ये बात बताऊं तो पिछले 20 सालों में कांग्रेस के एक ही मात्र विधायक जो चुने गए हैं वो है इंद्रनील राज्यगुरु। 2012 में राजकोट पूर्व की बैठक से वो जीते थे, इस बार फिर से 2022 में वो राजकोट की पूर्व की बैठक से वो लड़ रहे हैं। 2017 में उन्होंने उनकी बैठक को चेंज किया था, वो तब विजयभाई रूपाणी जो मुख्यमंत्री थे उनके सामने चुनाव लड़े थे, तब वो 50,000 मत से हारे थे, लेकिन इस बार फिर से उनके वो जो उनकी बैठक है वहां पे गए हुए और इस बार की बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही फाइट जो कॉन्टेस्ट है वो राजकोट पूर्व की मानी जा रही है। राजकोट पश्चिम में दर्शिता बहन है जो आरएसएस परिवार से आती है, उनके जो ग्रैंडफादर थे जो डॉक्टर पापा जी करके वो जहाँ पे वो बहुत ही जानीदा थे, लेकिन जो उनके डॉक्टर पीवी दोषी वो यहाँ के प्रांत के सरसंचालक रह चुके हैं और उनके ये ग्रैंड डॉटर है, तो उनको दिया गया है। राजकोट दक्षिण में पाटीदार समाज से खोडल धाम के ट्रस्टी रह चुके हैं रमेश भाई टीलाड़ा। ऐसा पहले माना जा रहा था कि भरत बोगरा, धनसुख भंडेरी इन सब के नाम आते जा रहे थे, लेकिन एंड मूवमेंट पे इनका नाम बार आया रमेश भाई टीलाड़ा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले जैसे नाम डिक्लेयर हुआ उनके 15 दिन पहले 2 महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। नरेश पटेल जो खोड़गाम के चेयरमैन थे उनके साथ रमेश टीलाड़ा गए थे, वड़ाप्रधान मोदी से मिले थे, जहां पर उनकी ऐसे मीडिया में आया कि उनको इनवाइट करने के लिए खोड़गाम में इनवाइट करने के लिए बैठक मिली थी। फिर उसके ही चुनाव के उम्मीदवार की घोषणा की उसके 3 दिन पहले अमित शाह के साथ नरेश पटेल और रमेश टीलाड़ा की बैठक हुई थी। तो ऐसे दक्षिण में भी जो भाजपा का गढ़ माना जा रहा है उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। रमेश टीलाड़ा जो एक उद्योगपति है, कई सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, उनको रखा गया। और राजकोट ग्राम्य में भानुबेन बाबरिया ऑलरेडी 2 वक्त विधायक चुने गए हुए, 2007 और 2012 में वो वहां पे जीते हुए थे। 2017 में लाखाभाई सागठिया को दिया गया था लेकिन फिर से 2012 में उनको दिया। एक और चीज है कि वो शहरी विस्तारों में भाजपा महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा एक उम्मीदवार की तरह, प्रत्याशी की तरह घोषित किया गया है, इसलिए इस बार 4 बैठक में से 2 बैठक पे महिला भी है, तो ये भी बहुत महत्व है जी। करण साहब, महिला जो कैंडिडेट्स हैं उस पर भी बात करेंगे। मेहुल, जैसे करण साहब कह रहे हैं कि जो नई सीटें दी गई, नए कैंडिडेट्स उतारे गए, एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन एक दूसरी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के साथ है जो है पारिवारिक कलह की, कि कई ऐसी सीटें हैं, चाहे वो रिबाबा की सीट हो, रिबाबा जडेजा की सीट है जहाँ उनके जो फादर इन लॉ हैं वो भी अब उनके सामने खड़े हो गए, बहन जो ननद उनकी जिसे कहते हैं सिस्टर इन लॉ वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी, गोंडल की सीट भी है, तो ये पारिवारिक कलह जो है वो राजनीतिक कलह का कारण तो नहीं बन जाएगी, राजनीतिक नुकसान तो नहीं करेगी?
बिल्कुल, जिस तरह पूरे सौराष्ट्र में अगर किसी वोटिंग के दिन किसी के सभी की निगाहें रहेगी तो गोंडल विधानसभा क्षेत्र की बैठक होगी। मैं आपको बताऊं कि जयराज सिंह जाडेजा जो पूर्व विधायक गोंडल भारतीय जनता पार्टी से हुआ करते थे, उससे पहले जो है रिबड़ा महिपत सिंह जाडेजा भी वो भी इसी क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। अब ये लड़ाई इस कदर आई है कि इससे पहले जैसे ही विधानसभा 2022 के चुनाव की गतिविधियां शुरू हुई, अनिरुद्ध सिंह जडेजा जो कि महिपत सिंह के बेटे हैं, उन्होंने अपने बेटे की पेशकश की कि भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट दिया जाए। दूसरी ओर जयराज सिंह जडेजा ने अपने बेटे के लिए पेशकश की। इस बीच बचाव में आए पोरबंदर के सांसद धड़ुक, रमेश भाई धड़ुक, उन्होंने कहीं सुलह या कहीं मनमुटाव की एक बड़ी खबरें आई थी, पर अब जो है ये लड़ाई चरम पर आ गई है। अब दोनों ने हामी भरी है कि किसी भी करके एक दूसरे को हराया जाए। एक दूसरे को मतलब रिबड़ा जो ग्रुप है अनिरुद्ध सिंह जडेजा का, उन्होंने ठान ली है कि अब जो गीताबा जडेजा है मतलब जयराज सिंह जडेजा है उनको हराया जाए। गीताबा जडेजा रिपीट विधायक है भारतीय जनता पार्टी से। दूसरी ओर ये एक बड़ा महत्व का जो नज़रिया रहेगा वो गोंडल विधानसभा क्षेत्र से रहेगा। आज एक बड़ी खबर निकल कर आई है जडेजा परिवार से, जो कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रीवाबा के परिवार से। रीवाबा के खिलाफ उनकी ननन तो है ही है जो कि कांग्रेस से, हाँ, इनके साथ नैनाबा जडेजा जो कि रीवाबा के पति रविंद्र जडेजा की बहन है। और अब ये मामला जैसे आया है, अनिरुद्ध सिंह जो कि रविंद्र जडेजा के पिता हैं, उन्होंने खुलकर ये समर्थन किया है कि आप कांग्रेस को वोट दें। अब ये दोनों ही क्षत्रिय परिवार है, दोनों ही क्षत्रिय परिवार में मतलब एक तरह की जो एक तरफ ससुर भी है, ननन भी है कैंडिडेट की रीवाबा के खिलाफ, उन्होंने कहा कि बीजेपी के बजाय कांग्रेस को वोट दो। दूसरी ओर ये जो रिबड़ा वाला परिवार है जडेजा परिवार, उनके साथ ये जो गीताबा जडेजा है उनका सीधा टकराव है। तो और उनके साथ साथ जो कलोल है वहाँ पर पूर्व सांसद प्रभात सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपने बेटे की बहू के खिलाफ। उनकी बहू जो है 2017 में, मैं आपको दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि महिपत सिंह ने ये जो है प्रभात सिंह चौहान ने बड़ी जोर आजमाइश की थी और निर्दलीय रूप से लड़ने का आह्वान भी किया था। उसके बाद ये मनमुटाव को भारतीय जनता पार्टी ने कैसे भी करके दबा दिया, प्रभात सिंह चौहान मान गए और इसके बाद इनके बेटे की बहू को टिकट दिया गया था। अब ये मामला है कलोल विधानसभा क्षेत्र से। अब प्रभात सिंह चौहान जो कि पूर्व सांसद है बीजेपी के और उनके बेटे की बहू उसी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी, प्रभात सिंह चौहान ने खेमा बदला है, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब उनके बेटे की बहू जो है भारतीय जनता पार्टी से उसी विधानसभा क्षेत्र से टक्कर में। तो ये मेहुल कहते हैं कि हरी अनंत हरी कथा अनंता की तरह से राजनीति की कथा अभी जो है ना अनंत ही है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन मेरे सहयोगी मेहुल ने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म के कुछ स्टूडेंट से जानना चाहा कि वो गुजरात की राजनीति को कैसे देखते हैं। पहले उसकी बातचीत जो बातचीत है वो देख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करें। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण का जो वोटिंग है वो 1 दिसंबर को है। गुजरात के युवा सौराष्ट्र की राजनीति को किस तरह से देखते हैं वो जानने समझने के लिए हम पहुंचे हैं राजकोट, और राजकोट के अमृत राय दलपतराम जो शेठ पत्रकारित्व भवन है, जिसको एडी शेठ पत्रकारिता भवन के नाम से जाना जाता है, उनके कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो अपना सुनहरा भविष्य पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद इसी क्षेत्र में करना चाहेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से सौराष्ट्र की राजनीति बनी है और इस बार सौराष्ट्र में 1 दिसंबर को वोटिंग होना है, किस तरह से देखते हैं? 1 दिसंबर को वोटिंग है, सब लोग धूमधाम से कहना चाहते हैं कि ये हमारा फेस्टिवल है, वोटिंग फेस्टिवल है ये, और सब लोग वोटिंग देते। पर किस पार्टी को वोट देते, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वो तो पता नहीं, पर सब लोग अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं वोटिंग की। आपको लगता है कि अंडरकरंट कुछ चल रहा है? अभी चुनाव का जो माहौल होता है वो शायद इससे पहले 2017 में आपने नहीं देखा होगा, आप नाबालिग होंगी, पर अभी लग रहा है कि शहर भर में या सौराष्ट्र भर में कहीं चुनाव का माहौल है? हमें तो कहीं उस तरह का नजर नहीं आया कि
हाँ, सब लोग चुनाव का माहौल सब जगह है, गांव में आम आदमी पार्टी का जोर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी गारंटी दे रही है कि हम लोग गारंटी कार्ड दे रहे हैं, उसमें बिजली फ्री दे रहे हैं, शिक्षण फ्री दे रहे हैं, इसीलिए गांव में ज़्यादा आम पार्टी की बहुत सारी उम्मीद है कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी आएगी शायद। इनका कहना है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के चांसेस आप किस तरह से देखते हैं? जी हाँ, आम आदमी पार्टी की थोड़ी बहुत सीटें गुजरात में जो गांव के लोग हैं वहाँ आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे गारंटी कार्ड्स दिए हैं, बहुत सारे वचन दिए हैं, उससे दो फायदे हुए, क्योंकि जो आम जनता है उसे कई प्रकार के फायदे हुए हैं और भाजपा के जो नेता है वो सक्रिय हो रहे हैं, क्योंकि गुजरात में जो गाँव के लोग है वो भाजपा के किसी नेता को जानते नहीं है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को जानते हैं, इसलिए भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो मेरा कहना ये भी है कि भाजपा के जो यहाँ के स्थानिक नेता है वो किसी जनता पर हावी ना हो, क्योंकि उनसे कोई वोट की उम्मीद रखते ही नहीं है, जो नरेंद्र मोदी की सभी है, इसलिए गुजरात के लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। आप क्या मानते हैं, विश्वास आता है? सर, लगता तो ऐसा ही है कि विश्वास आ सकता है क्योंकि वो भी काम तो कर रहे है, पर भाजपा के जैसा तो नहीं। मोदी सर की छवि के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगा। शुक्रिया। तो ये कुछ स्टूडेंट्स थे पत्रकारिता के, जिनका मानना है कि आज भी सौराष्ट्र के राजनीति में ज्ञाति जाति के हिसाब से ही कैंडिडेट चुने जाते हैं और इसी आधार पर चुनाव होते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ये जो छात्र की सोच है कि ग्रामीण इलाकों में वो पैठ पकड़ बना सकती है, अब देखना ये होगा कि किस तरह ऊंट किस करवट बैठ रहा है। कैमरा पर्सन शिव जी के साथ मेहुल जाला, न्यूज इंडिया, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी पत्रकारिता भवन, राजकोट। गुजरात की जुबान जो है वो मीठी होती है और गुजराती भोजन में भी मिठास होती है, लेकिन जो लोग काठियावाड़ आते हैं वो समझते हैं कि गुजराती भोजन जो दिल्ली में बैठ के मीठा समझते हैं, काठियावाड़ में समझ में आएगा कि वो इतना तीखापन होता है भोजन में कि वो आप भूल जाएंगे कि गुजरात का भोजन मीठा होता है। करण शाह साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ कि गुजरात का भोजन मीठा और काठियावाड़ का तीखा, तो ये तीखापन इस चुनाव प्रचार में भी दिखाई दिया कि कोई राजनेता किसी को औकात दिखाने की बात कर रहा है, कोई किसी को रावण कह रहा है और फिर किसी को किसी का चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा लग रहा है। तो ये काठियावाड़ के भोजन का तीखापन है या राजनीति में थोड़ी सी तीखापन ज़्यादा बढ़ गया है? जो थोड़ा बहुत आप बोल रहे हैं वो राजकीय मुद्दों अभी आए हुए हैं पिछले 2-3 दिन से। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना हमारा काठियावाड़ और गुजराती भोजन चटपटा और तीखा और मीठा रहता है, उतने ही इस बार की राजनीति और राजकीय मुद्दे बहुत काफी फीके रहे हुए हैं। आप देखिए तो इस बार कांग्रेस या विपक्ष की बात करें तो एक बार चुनाव की घोषणा की गई, फिर भी पूरे गुजरात में अभी तक के लिए सिर्फ राहुल गांधी की एक ही सभा हो पाई है, वो भी राजकोट में, और विपक्ष के कोई भी बड़े नेता आए नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए वहाँ पे, एक उन्होंने मोदी की तुलना रावण के साथ की गई और उनको एक मिल गया, एक प्रचार का मुद्दा मिल गया है। बाकी यहाँ पे आप आज तक अभी तक इतने कोई सारे मुद्दे ही नहीं थे। आफताब श्रद्धा का जो हत्या का केस है, मोरबी का जो पुल का जो दुर्घटना हुई, और फिर सदाम हुसैन के साथ जो उनकी जो राहुल गांधी की जो तुलना की जा रही है, ये सब मुद्दे हो रहे हैं, बाकी कोई राजकीय मुद्दा है ही नहीं। इस बार का जो मैंने फिर से मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत ही साइलेंट अंडरकरंट हो रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज के भी लिए एक तरह के ये क्वेश्चन हो रहा है, ये उनकी भी एक कन्फ्यूजन है कि क्या कौन सी दिशा में जाएंगे लोग। इस बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी जो है वो सौराष्ट्र पे बहुत नहीं आए, बल्कि सौराष्ट्र का जो पूरा जो था वो आज सीआर पाटिल जिले जिले भर जिले में जा रहे, राजकोट में आज अचानक से आ गए थे। एक महत्वपूर्ण बाबत ये भी है कि जो बिहार के संगठन महामंत्री है, जो गुजरात के रह चुके थे भिखुभाई दलसानिया, उनको बिहार वहां पे भेजा गया था भाजपा की तरफ, और यहाँ पे रत्नाकर जी थे, तो उनको वापस सौराष्ट्र की जिम्मेवारी सौंपी गई है और उनको राजकोट में एक बार समीक्षा बैठक के लिए फिर से भेजा गया था। क्या ऐसा लग रहा है कि काफी बड़े बड़े नेता जो सोच रहे थे कि उनको टिकट मिलेगी लेकिन उनको नहीं मिली है, तो वो काफी वो उनकी जो प्रचार है वो ढीली चल रही है, काफी आंतरिक जुथवाद भी है जो भाजपा में दिखा जा रहा है, क्योंकि वो प्रचार में भी दिख रहे हैं, वो उनकी संगठन की पूरी जो ताकत है वो कई बार कई जगहों पे नहीं दिख रही है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। एक चीज समझना चाहता हूँ करण शाह साहब, एक चीज समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि मोरबी की जो बड़ी घटना हुई, हादसा हुआ जिसमें 138 लोग मारे गए और भी कई घटनाएं हैं,
उसकी चर्चा नहीं हो रही है। और मैं देख रहा हूँ कि इस चुनाव में राज्य सरकार के कामकाज की चर्चा नहीं हो रही है। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सिर्फ चुनाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उनके नाम पर उनके चेहरे पर लड़ा जा रहा है। तो क्या बीजेपी की स्ट्रेटजी यह है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के भरोसे ये चुनाव जीत लिया जाए क्योंकि राज्य सरकार के कामकाज पर बात आएगी तो शायद एंटी इनकम्बेंसी का जो नुकसान है वो उठाना पड़े? देखिए, ये जो गुजरात जो राज्य है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। यहाँ से ही उनकी गुजरात मॉडल की बात शुरू हुई थी 2012-13 से लेके, और 2014 में वो सबसे पहली बार संसदीय चुनाव जीते थे। तो गुजरात और भाजपा, अगर कोई भी छोटा सा कार्यकर्ता ले लो और मंत्री ले लो, वो हर बार नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पे ही वो सबसे ज्यादा, फिर गुजरात मॉडल की बात करें या संकल्प पत्र की बात करें, वो नंबर टू या नंबर थ्री पे रह गए। कल भी जाके देखे तो सौराष्ट्र की चार जगह पे नरेंद्र मोदी ने चुनाव का प्रचार खत्म होने के पहले वहां पे चुनावी रैली की थी। पालिताना हो, अंजार हो, जामनगर और अंत में राजकोट शाम को 8 बजे आके यहाँ पे रैली की थी, जहां पे उन्होंने खुद पर्सनल जाके बोले। और एक चीज जो सब जगह उन्होंने बोली है वो ऐसा बोली है कि आप सब लोग घर जाके और आपके आजू बाजू में पड़ोस में सब लोगों को आपकी सोसाइटी में ये बोलिएगा कि नरेंद्र मोदी आए थे और आपसे प्रणाम किए गए। वो भी जानते हैं, भाजपा भी जानती है कि उनका जो चेहरा है उनकी जो प्रसा जी। मैं बोले एक छोटा सा सवाल लेना चाहता हूँ। करण भाई ने कहा कि गुजरात मॉडल जो है उसके आधार पर चलती है और पूरी गुजरात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से चलती है, लेकिन अब दिल्ली मॉडल भी आ गया, तो दिल्ली मॉडल वर्सेज गुजरात मॉडल में क्या भारी पड़ेगा? देखिए, दिल्ली मॉडल जो फ्री का फ्री देने की बात कही है, बेहतर जीवन की और उनका इशारा है। जो दिल्ली में जो लोगों ने दोबारा सरकार बनाई, 3 बार सरकार बनाई, अब पंजाब में भगवंत मान को यहाँ की तरह ही यशोदान को जैसे चुना गया, पब्लिकली वोटिंग करा के भगवंत मान को पसंद किया गया था, वहाँ सरकार बन गई, भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए। अब वही दोनों मॉडल लेकर गुजरात आए हैं। जब देश भर चलेगा ये मॉडल, अब सर कितना फ्री, अब पिछड़े और निचले स्तर के इलाके किस तरह की सोच रखते हैं, अगर कोई पिछड़े इलाके की या निचले स्तर की महिला, इस पर चर्चा देखेंगे कि 1 तारीख को क्या होता है, फिर नतीजा 8 तारीख को क्या होता है। मेहुल, आपका बहुत शुक्रिया। करण साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपना वक्त निकाला। चलते चलते बात सोमनाथ के एक ऐसे मंदिर की जिसकी चर्चा कम होती है, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है सोमनाथ के भालका तीर्थ में, जहाँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने देहोत्सर्ग किया था। इस मंदिर का दर्शन आप भी कीजिए। हाँ, भालका तीर्थ एक्चुअली श्री कृष्ण जी का देहस्थान माना जाता है। उनका मृत्यु इधर हुआ था, एक शिकारी ने शिकार के दौरान उनका वो तीर मारा था, तो इसीलिए उनका मृत्यु हुआ था इधर, तो इसीलिए इधर दर्शन करने के लिए हम करने के लिए आए। भालका तीर्थ, मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ देहोत्सर्ग किया था, यानी उनका आखिरी वक्त यहाँ निकला था। कहा जाता है कि जब वो भगवान श्री कृष्ण यहाँ योग मुद्रा में बैठे हुए थे, अपने बाएं पैर को दाएं पैर पर रखते हुए, तभी किसी शिकारी ने उन पर तीर चलाया और वो तीर उनके पैर में जाके लगा, जिससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। हालांकि बाद में शिकारी ने उनसे माफ़ी मांगी, तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह होना ही था, उसके बाद देह त्याग दी। इस जगह के दर्शन को माना जाता है कि दर्शन करने से मोक्ष मिलता है। आपने देखा श्री कृष्ण के देहोत्सर्ग का मंदिर। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे कि गुजरात के चुनावों में क्या होने वाला है। आप से उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, जय स्वामीनारायण।
वेरावल से प्रभास तीर्थ यानी सोमनाथ जाने के रास्ते में ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है हिंदुओं का, भालका तीर्थ। मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ देहोत्सर्ग किया था, यानी उनका आखिरी वक्त यहाँ निकला था। कहा जाता है कि जब वो भगवान श्री कृष्ण यहाँ योग मुद्रा में बैठे हुए थे, अपने बाएं पैर को दाएं पैर पर रखते हुए, तभी किसी शिकारी ने उन पर तीर चलाया और वो तीर उनके पैर में जाके लगा, जिससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। हालांकि बाद में शिकारी ने उनसे माफ़ी मांगी, तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह होना ही था, उसके बाद देह त्याग दी। इस जगह के दर्शन को माना जाता है कि दर्शन करने से मोक्ष मिलता है।